वेलकम बैक टू आवर मारवाड़ी किचन। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सांभर। और सांभर बनाने के लिए हम लोग को चाहिए 6 छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ कदीमा और 2 ओनियन, 2 टमाटो और 1 कैरेट। और उसको आप टुकड़ों में कट कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत छोटे छोटे तो नहीं, बट अपने एक्यूरेट आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप कट कर लीजिए। और मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल दिया है और 1 टेबल स्पून राई दिया है। और जब राई से पुटपुट की आवाज़ आने लगे तो आप उसमें टुकड़ों में कटा हुआ कदीमा डाल दीजिए। उसके बाद मैंने गाजर को डाल दिया है, फिर उसके बाद मैंने टमाटर को डाल दिया है, को अच्छे से आप चला लीजिए चम्मच की मदद से। फिर मैंने 1/4 हल्दी पाउडर दिया है, 1 टीस्पून साल्ट दिया है। फिर आप अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर ढक दीजिए आप कुकर के ढक्कन से। फिर ढक्कन हटा के थोड़ी 10 मिनट के बाद आप जब सीज जाए थोड़ा, तो फिर मैंने 1/2 टीस्पून सांभर मसाला दिया है और 1/4 मैंने रेड चिल्ली पाउडर दिया है, काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। फिर आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर 1 कप अरहर दाल मैंने भिंगो के रखा हुआ था 1 आवर्स पहले, और फिर इसको आप अच्छी तरह से धो के कुकर में डाल दीजिए। मैंने अच्छी तरह से एक एक दाना निकाल के अच्छी तरह से डाल दिया है कि एक दाना भी बर्बाद ना जाए। फिर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर आप 1 कप पानी डाल दीजिए। फिर आप 2 सीटी इसमें लगा दीजिए। फिर 1 कप ऑयल ले लीजिए और 1/2 टीस्पून राई ले लीजिए। और जब राई से पुटपुट की आवाज़ आने लगे तो 1 आप होल रेड मिर्च ले लीजिए, उसको बीच से तोड़ के डालिएगा। तोड़ के डालने से ही फ्लेवर आता है, बहुत लोग साप्ता ही डाल देते हैं, मीन्स होल ही डाल देते हैं। और फिर मैंने 10 पीस करी लीव्स लिया है और 1 ग्रीन चिली लिया है। और फिर मैंने प्याज डाल दिया है, जो मैंने 2 प्याज को कट किया था वो मैंने डाल दिया है। और इसको आप अच्छी तरीके से चलाइए। और फिर मैंने 1/4 साल डाला है, क्योंकि साल्ट ऑलरेडी सांभर जो कुकर में है उसमें है, तो इसीलिए मैंने 1/4 डाला है। और 1/4 मैंने हल्दी पाउडर डाला है। फिर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और फिर मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाला है। और फिर मैंने 1/2 टीस्पून सांभर मसाला डाला है। फिर मैंने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है।
और फिर अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। और जब ये रेड रेड हो जाए, सारे मसाले पिसा जाए, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है कि मसाले जले नहीं और ये हल्का सा और भुजा जाए। तो ये देखिए सारा पानी जल गया है। अब मैंने इसमें इमली जो मैंने 5 कलियाँ फुलाई हुई थी वो मैंने डाल दी है। और 1 टेबल स्पून आप शुगर भी डालिएगा। और जो कुकर में मैंने बॉईल किया था सांभर वो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। और मैंने 2 कप वाटर दिया है क्योंकि सांभर बहुत एब्जॉर्ब करता है वाटर को और ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोरिएंडर लीव्स डाल दिया है। कोरिएंडर लीव्स डालो तभी मज़ा आता है। और फिर आप सांभर को बॉईल होने दें कम से कम 10 मिनट्स तक। और देखिए हमारा इडली डोसा एंड सांभर तीनों रेडी है। और देखिए क्या मस्त कलर आई है सांभर की, जिसे देखते ही मन चल रहा है खाने को। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरा ये रेसिपी ट्राई किया है कि नहीं। आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बेस्ट रेसिपी है।